गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम एसएससी का क्वेश्चन है और रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो इसमें 16 और 77 में रिलेशन है वही 17 और इधर जो नंबर आएगा वही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इस 16 को 16 से 77 कैसे आएगा ये मुझे देखना है। सबसे पहले फर्स्ट हमारा फोकस यही रहेगा 16 से 77 हम कैसे ला सकते हैं, फिर हम 17 से ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, पहले तो ये हम देखते हैं। ये फाइंड होकर हो जाएगा तभी हमारा वो निकल आएगा। तो 16 का जो रिलेशन इसके साथ बन रहा है वो बन रहा है, अगर 16 को लिखें और इसमें ऐड कर दें, इस 16 को उल्टा लिख दें 61, ठीक है। इस 16 को उल्टा लिख दें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा ये रिलेशन फाइंड हो रहा है 77। क्या इसी तरह यहाँ 17 के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो कि ऑप्शन में हो, तो मैंने क्या किया 17 लिखा, ठीक है। अब 17 का उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। इनको ऐड करो 88, यानी 88 आ रहा है, मतलब 88 आ रहा है, ऑप्शन में है हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 88, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, फिर आगे के वीडियो में हम बताएंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो और सब्सक्राइब करो, या चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। कल के वीडियो में और हम क्वेश्चन आगे लाएंगे।